हाय गाइस, इट्स मी प्रियंका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपने मुझे मेरी प्रीवियस दो वीडियोस में बहुत अच्छा रिस्पांस दिया गाइस, उसके लिए थैंक यू सो मच। मुझे बहुत खुशी होती है आप मुझे इतना प्यार करते हो, मुझे इतना अच्छा रिस्पांस देते हो मेरी वीडियोस पे। तो आज हम ट्राई करने वाले हैं चिप्स हैक्स। तो यार, चिप्स किसको अच्छे नहीं लगते, चिप्स तो सबको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बट गाइस, आज जो भी मैं हैक्स ट्राई करने वाली हूँ वो मैं लेज चिप्स के साथ ट्राई करने वाली हूँ, बिकॉज़ मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता फ्लेवर। और मुझे पता है ये हैक्स फेल होने वाले हैं, तो सारे हैक्स मैं इसी चिप्स के साथ ट्राई करने वाली हूँ। अंकल चिप्स मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसको मैं ख़राब नहीं करूँगी यार। तो देखते हैं 5 मिनट क्राफ्ट वालों के चिप्स हैक्स कितने वर्क करते हैं और कितने हो जाते हैं फेल। एंड मुझे क्यूटीज अंकल चिप्स ज़्यादा अच्छी लगती है, तो आप ज़रूर बताना आपको कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उसके साथ छोटी सी नोटिफिकेशन बेल आएगी उसको ऑन कर देना। ओके गाइस, तो अगर आप कहीं बाहर हो और आपको सर्दी लग रही हो, तो आपके पास कुछ भी ऑप्शन ना हो, तो आप अपने चिप्स निकाल सकते हो, उसको बर्न करके ऐसे अपनी सर्दी दूर कर सकते हो। वाओ यार, क्या हैक है। मैं तो यार सर्दी बर्दाश्त कर सकती हूँ, बट मैं अपनी चिप्स ख़राब नहीं करूँगी गाइस। फिर भी कोई बात नहीं, हम ये हैक ट्राई करके देखते हैं। मैंने अपने एक चिप्स का पैकेट ख़राब कर दिया है यार, इतना बड़ा बलिदान दे दिया है मैंने। बट मैं देखना चाहती हूँ चिप्स को बर्न करके, यार वो कुरकुरे में प्लास्टिक निकलता होता है, तो मैं देखना चाहती हूँ इसको जला के प्लास्टिक निकलता है इसमें से या फिर नहीं। तो यार पूरा एक पैकेट मैंने चिप्स का ख़राब कर दिया है गाइस, और इतनी गंदी स्मेल आ रही है इसमें से। तो यार कुरकुरे को भी जला के देखते हैं। मैंने सुना तो बहुत हुआ है कि इसको जला के प्लास्टिक बन जाता है, तो आज मैं देखने वाली हूँ। मैंने एक्सपेरिमेंट ये कभी भी नहीं किया है पहले, तो यार कोई प्लास्टिक वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और चिप्स और कुरकुरे दोनों बर्न हो चुके हैं, इतनी स्मेल आ रही है यार। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि प्लास्टिक निकलेगा इनमें से, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। एंड सेकेंड हैक में उन्होंने चिप्स का पैकेट लिया है, उसके अंदर चिकन डाला है, और बहुत ही अच्छे स्नैक्स बनाए हैं, चिप्स स्नैक्स। ओके गाइस, तो मैं तो चिकन अभी यूज़ नहीं करूँगी, मैं एक और हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैं एक बार घर पे ट्राई कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पर पास्ता ले रही हूँ गाइस, बिकॉज़ मैं चिकन वगैरह नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 पैकेट पास्ता, और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ पास्ता मसाला, जो भी इसके अंदर पैकेट होता है वो सारा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। एंड बिलीव मी गाइस, ये हैक मैं घर पर ट्राई कर चुकी हूँ, एंड सेकेंड टाइम ही मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। और उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टोमेटो केचप। गाइस, जैसा उन्होंने बनाया बिल्कुल वैसा मैं ट्राई करूँगी, बट मैं चिकन यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, उसकी जगह मैंने पास्ता का पैकेट लिया है और इसके अंदर थोड़ा सा केचप डाला है, और मैं यहाँ पर ले रही हूँ स्मॉल पैकेट लेज चिप्स का, और उसको अच्छे से क्रश करके मैं इसके अंदर डालूँगी ये वाला पास्ता। एंड इसके साथ बहुत ही अच्छे स्नैक्स बनकर रेडी होने वाले हैं गाइस, मैं एक बार ट्राई कर चुकी हूँ। तो जो भी पास्ता के अंदर हमने मसाला और केचप डाला है उसको मैं इस पैकेट के अंदर डाल दूँगी, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको करूँगी फ्राई। तो गाइस, पास्ता मैंने कभी फ्राई करके नहीं खाया था, बट जब मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया घर पे, सच में आप बिलीव नहीं करोगे यार। तो आप देख सकते हो फ्राई करने के बाद इतने क्रिस्पी क्रंची पॉपकॉर्न जैसे बनकर ये तैयार हुए हैं। इसके ऊपर जो हमने चिप्स चढ़ाए हैं गाइस, उसका इसमें बहुत टेस्ट आ रहा है, और इतने क्रंची से बनकर रेडी हुए हैं गाइस। खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आप ट्राई ज़रूर करना एक बार। ये हैक आपके साथ शेयर करने से पहले मैं इसको घर पर बना चुकी हूँ, उसके बाद ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इसके ऊपर आप चिली फ्लेक्स, स्पाइसेस कुछ भी ऐड कर सकते हो, एज अ पॉपकॉर्न आप इसको खा सकते हो। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने दिखाया है, अगर आप चिप्स खा रहे हो और वो ऐसे गिर जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी जो हेयर पिंस होती है उससे आप अपने पैकेट को रैप कर सकते हो, हेयर पिंस लगा सकते हो रैपर के ऊपर, ऐसे वो गिरेंगे नहीं और वो ख़राब भी नहीं होंगे। तो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा गाइस, आप हेयर पिंस का यूज़ कर सकते हो इसको रैप करने के लिए भी। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने प्रिंगल्स चिप्स का एम्प्टी बॉक्स लिया है, उसके ऊपर इन्होंने पेपर शीट लगाई है, और उसको एज अ आप गिफ्ट दे सकते हो किसी को भी, स्नैक्स वगैरह इसके अंदर बिस्किट वगैरह डाल के दे सकते हो। तो ये हैक भी बहुत अच्छा है, आप ट्राई ज़रूर करना। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने कॉफ़ी को कवर किया है, जो चिप्स का ऊपर वाला कवर होता है बॉक्स के कवर के साथ, इन्होंने कॉफ़ी को कवर किया है गाइस। तो ये हैक भी देखने में बहुत यूज़फुल है, कि ऐसे वेस्ट हम थ्रो कर देते हैं, जो भी वेस्ट बॉक्सेस होते हैं उसको, उसके लिड को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, उसके कवर को यूज़ कर सकते हो। तो ये हैक मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में कॉफ़ी बाहर नहीं आई है यार।
एंड नेक्स्ट हैक में उन्होंने प्लेट को क्लीन रखने के लिए पेपर शीट लगाई है और उसके बाद चिप्स खाए हैं। तो गाइस ये हैक मुझे किसी काम का नहीं लगा कि आपकी प्लेट ख़राब ना हो तो आप इसके ऊपर पेपर शीट लगाओ, यार बिल्कुल बेकार हैक है। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने ली है चीज़ स्लाइसिस और उसके 4 पीसेस कट करके इन्होंने बटर पेपर के ऊपर रख के इसको किया है माइक्रोवेव। बट टाइमिंग इन्होंने नहीं बताई है कितना टाइम हमें माइक्रोवेव करना है और उससे बनाए है चीज़ चिप्स। तो गाइस यहाँ पर मैं चीज़ स्लाइस ले रही हूँ, उसके 4 पीसेस मैं कट कर दूँगी। तो ये वाला हैक मुझे नहीं लगता वर्क करेगा क्योंकि मुझे लगता है मैंने ऐसे चीज़ स्लाइसिस पहले गर्म की हुई है वो बर्न हो जाती है। बट आज बटर पेपर के ऊपर रख के मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ। टाइमिंग तो उन्होंने नहीं बताई बट अपने अकॉर्डिंग मैं इसको 5 मिनट रख के देखती हूँ माइक्रोवेव के अंदर। तो गाइस 5 मिनट रखने के बाद ये अच्छे से कुक नहीं हुआ था तो मैंने 2 मिनट्स इसको और माइक्रोवेव किया। तो आप देख सकते हो ये कुक तो अच्छे से हो चुके हैं, जैसे उन्होंने दिखाया था चीज़ चिप्स बन गए हैं। तो यार ये बहुत ही क्रंची से लग रहे हैं देखने में, बट यार बटर पेपर के ऊपर ये चिपक गए हैं गाइस, उतर ही नहीं रहा है। तो यार जैसे उन्होंने दिखाया था वैसे ही मैंने रखे हैं, कोई ऑयल वगैरह उन्होंने नहीं यूज़ किया था पेपर के ऊपर। बट आई थिंक अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर या फिर ऑयल लगाती तो ये ईज़िली उतर जाते। बट गाइस चिप्स तो बहुत अच्छे से क्रंची से चिप्स बनकर तैयार हो चुके हैं। मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ इसका टेस्ट खाने में कैसा होगा। वाओ, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है गाइस, बहुत क्रंची बने हैं। जबकि मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं था कि ये हैक वर्क करेगा, मुझे था ये हैक फेल हो जाएगा, चीज़ ख़राब हो जाएगी। बट चीज़ ख़राब नहीं हुई है, बहुत क्रिस्पी से चिप्स बनकर रेडी हुए हैं। बट ये उतर नहीं रहे हैं पेपर के ऊपर से, तो हो सकता है अगर हम इसके ऊपर ऑयल या फिर बटर लगा देते थोड़ा सा तो ये इजीली उतर जाते। गाइस उनके अकॉर्डिंग चिप्स तो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। बट जब भी आप ये हैक ट्राई करो तो आप सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लगाना, उसके बाद ही आप चीज़ स्लाइसिस रखकर इसको माइक्रोवेव करना। तो ये हैक, इस हैक को मैं 50-50 मार्क्स दूंगी गाइस। खाने में इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, आप ट्राई करोगे तो थोड़ा सा ऑयल लगाकर ही ट्राई करना। एंड नेक्स्ट हैक में इन्होंने अगेन प्रिंगल्स बॉक्स लिया है और उसके कवर के अंदर इन्होंने 2 होल्स बनाए हैं और एक रबर बैंड से अच्छे से इसको कवर किया है और इसके अंदर लगाया है लेमन, मतलब लेमन को फ्रेश रखने के लिए ये वाला हैक बहुत ही अच्छा है गाइस। तो ये हैक हम ट्राई करके देख लेते हैं। सबसे पहले कटर की हेल्प से मैं इसके अंदर 2 होल्स बना दूंगी और रबर बैंड से हम इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। तो फ्रेंड्स मेरे अकॉर्डिंग ये हैक मुझे बहुत यूज़फुल लगा। जब भी हम लेमन कट करते हैं, हाफ पीसेस हमारे फ्रिज में ऐसे ही पड़े रहते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो आप इसको फ्रेश रखने के लिए ये हैक यूज़ कर सकते हो। एंड नेक्स्ट हैक में ये चिप्स खा रहे हैं। ओके, तो चिप्स हो जाती है इनकी फिनिश और नीचे से ये कट कर लेते हैं सीजर से। ओ माई गॉड, ओके गाइज, तो ये कैसा हैक था यार, मुझे बहुत ज़्यादा डंब लगा ये वाला हैक। चिप्स खाते टाइम यार सारा चिप्स का पैकेट तो खाली हो जाता है, थोड़ा बहुत नीचे रह जाता है, उसको खाने के लिए उन्होंने नीचे से पैकेट को कट किया है और फिर ऐसे खाया है। ये क्या है हुआ, मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। सारा पैकेट तो आपने फिनिश कर दिया और जो थोड़ा बहुत रह जाता है वो तो यार ऐसे करने से भी निकल आएगा, नीचे से पैकेट को कट करने की क्या ज़रूरत है यार। मतलब यार 5 मिनट क्राफ्ट वालों के कुछ हैक्स तो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट कुछ कुछ हैक्स इतने डंब होते हैं ना यार, उनका कोई मतलब ही नहीं होता सच में। तो ये तो हैक बिल्कुल फेल था, मुझे ये हैक बिल्कुल भी काम का नहीं लगा यार। एंड नेक्स्ट हैक में उन्होंने चिप्स ली है, उसके ऊपर चीज़ डालकर इसको किया है माइक्रोवेव 2-3 मिनट्स के लिए। ओके गाइस, तो मैंने ऐसे चीज़ी चिप्स कभी भी नहीं खाए हैं, तो चिप्स की जगह यहाँ पर मैंने मैड एंगल्स का यूज़ कर रही हूँ। मैं तो मुझे नहीं पता उन्होंने कौन से चिप्स लिए थे, बट यहाँ पर मैं मैड एंगल्स ले रही हूँ और इसको मैं माइक्रोवेव करके देखती हूँ गाइस। तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है ये वाले हैक से, बिकॉज मैंने ऐसे कभी नहीं खाए हैं चीज़ी वाले चिप्स। गाइस मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका है ये वाला हैक ट्राई करके, मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन थी ये वाले हैक से, बट यार सारे मैड एंगल्स बर्न हो चुके हैं, सारे जल गए हैं और चीज़ आप देख सकते हो बिल्कुल वैसे ही पड़ी है यार, और मैड एंगल सारे ख़राब हो गए, सारे बर्न हो चुके हैं। मैंने एक पैकेट अपना मैड एंगल्स का ख़राब कर दिया, इससे अच्छा तो मैं इसको ऐसे खा लेती और चीज़ भी ख़राब करी, मैड एंगल्स भी ख़राब किए गाइस। तो ये हैक हो जाता है बिल्कुल ही फेल।
एंड लास्ट हैक इनका यूज़फुल है, अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो रबर बैंड हेयर पिन कुछ भी ना हो पैकेट को रैप करने के लिए, तो आप एक ये वाली ट्रिक यूज़ कर सकते हो इसको अच्छे से कवर करने के लिए, और आपके चिप्स बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे और ख़राब भी नहीं होंगे।